अफशीन अफशीन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या है? ये देखो। ये तुमने बताया था ना तुम्हारे खानदान में शादी है, ये उसके लिए। अच्छा है ना? हाँ बीवी जी, लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम लोगों के चेहरों पे आई खुशी से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? तुम्हें तो पता है ना, मामा अपनी मर्जी से डिजाइनर के कपड़ों से मेरी वार्डरोब भर देती। मुझे तो इन सब चीजों का शौक नहीं। सुनो, जाके देखो तुम्हें जो भी जोड़ा पसंद आए ना वो ले लो, शादी पे जरूर पहनना, किसी के तो काम आए कम से कम। और ये देखो, ये ना तुम्हारी खाला के लिए, प्यारा है ना? हाँ, लेकिन ये मैं कैसे रख सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये है तुम्हारी खाला के लिए। अब क्यों कर रही है ये सब बीबी जी? क्योंकि तुम लोगों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी मिलती है ये सब कुछ करके। अब लेकिन बीबी जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? एहसान नहीं है पगली, तोहफा है। बस दुआ करो कि खुदा मुझे यूं ही दूसरों की मदद करने की तौफीक अता करे। आमीन। शुक्रिया बीबी जी, शुक्रिया। तुमने खूब एंजॉय करना है। चलो अब आके मेरा कमरा भी साफ करवा दो। राशिद सही कहता है, यहाँ हमारी कोई मदद नहीं करेगा। नाजो बीबी पे भरोसा था, उन्होंने भी सुनी अनसुनी कर दी। यहाँ सब अपने अपने मामलात में मसरूफ हैं। हम भी ये सोच सोच के पागल हो गया है। उधर हमारे गांव में हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? सर पर छत भी नहीं है। ऐसे हालत में गरीब क्या करेगा? डाका मारेगा, चोरी करेगा। डॉक्टर मुझे कहते हैं बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना होगा। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा डॉक्टर के, दवाई के, अस्पताल के? वजीर, वजीर ये तुम रख लो, पैसे हैं गांव भेज देना, अपने मकान का काम करवा लेना तुम। बीबी जी वो नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डैड ने ना ये पैसे मुझे दे दिए थे, मुझे माफ कर देना, ताखीर मेरी तरफ से हुई है। शकूर ये तुम्हारे लिए, तुम अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगी, नेशनल हॉस्पिटल ले जाना। हाँ ये सब साहब ने दिए? हाँ डैड लहजे के सख्त हैं, दिल के वो बहुत अच्छे हैं। मजीद रकम की जरूरत हो ना तो बिला झिझक बोल देना, पहले की तरह ये नहीं कि बस बैठे हुए। सलाम अलैकुम बाजी जी। आ गई तुम अफशीन, कैसी रही तुम्हारी कजिन की शादी? बहुत अच्छी, और आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जोड़ा दिया था वो बहुत ही अच्छा था। और सोने का सेट, मेरी खाला को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, वो कह रही थी कि वो आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। नहीं सबकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब अच्छा हो गया ना? बिल्कुल बीबी जी, वो दो चार दिन से राशिद नजर नहीं आ रहा। हाँ वो थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। हल्ला? हाँ वो पिछले जिस बंगले पे काम करता था ना, शायद वहाँ कोई चोरी हो गई उससे, मगर डैड कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो।